दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। भाग कैसे करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको भाग करने से पहले अच्छे से गुणा, जोड़, बाकी ये सब आपको पहले से आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं, 9005 में मुझे जैसे 105 का भाग देना है। देखिए, थोड़ा बड़ा लेकर चलते हैं, जिसके द्वारा आपको यहाँ पे समझने में आसानी रहेगी। और पहले हमने बेसिक भाग भी किए हुए हैं, जिसमें पहाड़ा के द्वारा हम भाग करते हैं, पहाड़ा लिख के भाग करते हैं। तो वो वाले भाग देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में बड़ा भाग लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, टू डिजिट लिया, 90 आ रहा है, जो 105 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा। ध्यान क्या रखना है, भाग देने के लिए यह वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने तीन डिजिट को लिया, 900 आ गया। 900 आपका, देखिए दोस्तों, 105 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम भाग दे सकते हैं। अब 105 को हम दोस्तों ऐसी संख्या से गुणा करें, गुणा करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 900 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, 8 लिया, 8 का गुणा किया, कितना आ गया, 840, जो 900 छोटा है। और यदि हम 9 लेंगे, 9 का गुणा किया तो कितना आ गया, 945। देखिए, 900 से बड़ा आ गया है, ठीक है। तो हमें यह नहीं ले सकते, हमें यह लेना है, ओके। तो आपका भाग कितनी बार चला गया, जिससे आपने गुणा किया है, कितनी बार, 8 बार भाग चला गया। कितना आ गया दोस्तों आपका, 840 आ गया। उसके बाद इसको माइनस करना है, 0 आ गया, और यहाँ पे कितना, 6 आ गया। उसके बाद जो ये आगे का एक अंक की संख्या है दोस्तों, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा। अब 105 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराएं कि आपका 705 के बराबर या 705 से छोटी संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको हम जब 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 525। देखिए, 6 से गुणा करेंगे तो आपका 705 से बड़ा आ जाएगा। ये आप ऐसे प्रैक्टिस के द्वारा आइडिया लगा सकते हैं। माइनस करना, उसके बाद 0 आ गया, और एक उधार देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना, ओके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे या तो आप इसको सेंसफल मान लो, 105 से ये देख पा रहे हैं कि छोटा है, या तो आप इसको सेंसफल मान लो, या आप इसको सेंसफल नहीं मानना चाहते हैं और आगे प्रोसेस करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए, इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ रहा है, 7 × 5 = 35, और 735 आ गया। उसके बाद वो जी माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 6, ओके, आपका 65 माइनस आ गया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर दोस्तों क्या बन गया, सेंसफल, और ये मेरा क्या बना यहाँ पे, भागफल, और इसको हम क्या कहते हैं, भाजक, और ये आपका क्या है, भाज्य। तो इस तरीके से आपका भाग किया जाता है। वीडियो कैसा लगा ये तो आप नीचे कमेंट कर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगली वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।